हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर में हम लोगों ने अभी तक 3 लेक्चर पढ़े हैं। आज के लेक्चर में और मीन्स लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में सीखा था। ठीक है बच्चों, तो वहां से हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे आज। ठीक है, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए इसके रिजल्ट को, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या रिजल्ट आया था? इसका रिजल्ट आया था, अगर मान लो एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड बी है, और उनके बीच में एंगल क्या है? थीटा। अगर आपको ये 3 इंफॉर्मेशन पता है ना, यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी और उसके बीच का एंगल थीटा, अगर ये 3 इंफॉर्मेशन आपको पता है तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। आर है ना, कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड पता करने का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं? उसका मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। और फिर रही बात डायरेक्शन पता करने की, तो डायरेक्शन के लिए फाई इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, क्या था फॉर्मूला बच्चों? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो गया इसका डायरेक्शन का फॉर्मूला। डायरेक्शन किस रूप में मिल रहा है बच्चों? एंगल के रूप में। ये एंगल किस एक्सिस के साथ बनाएगा? ठीक है, किसके साथ? किस वेक्टर, दो वेक्टर है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी, किसके साथ एंगल बनाएगा? तो ध्यान रहे, आप जिसको ए माने हो उसके साथ। ठीक है, अगर मैंने ये वेक्टर ए लिया, इसको वेक्टर बी लिया, तो मैंने क्या बोला है आपको कि आपको सबसे पहले ट्रायंगल कंप्लीट कर लेना। ये ट्रायंगल हो गया, ये दोनों सेम ऑर्डर में, ये अपोजिट ऑर्डर में, यही हमारा क्या होगा? वेक्टर आर होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ? ये एंगल, ठीक है, यही फाई है ये। ठीक है, तो ये देखो फाई किसके साथ बन रहा है? जिसको आपने ए मान रखा है। ठीक है, ये जिसको माना है उसके साथ ये एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला बड़े ही काम का है, आपको इसके ऊपर है ना प्रैक्टिस करनी है। चलो, तो हम इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला जाता है, ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। ठीक है, सपोज एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? 3। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है? 2। और उनके बीच में एंगल क्या है? सपोज 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपसे फाइंड आउट करने बोले, तो फट से इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे? पुट कर देंगे बच्चों, है ना। फॉर्मूला क्या था आपके पास, है ना, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, एंड 2 कॉस 60 कितना होता है बच्चों? 1/2, है ना, कॉस 60 1/2। ये टू कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, तो बचा क्या? 9 + 4 + 2 = 6, 6 × 4 = 10 and 9 = 19, स्क्वायर रूट ऑफ 19, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए और बी का मैग्नीट्यूड हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 19। ठीक है, डायरेक्शन की बात आती है, तो फाई इक्वल्स टू क्या था हमारे पास? 10 इनवर्स बी साइन थीटा, बी क्या है? 2, तो 2 और साइन थीटा कितना है? 60, तो 2 sin 60 अपॉन है ना ए 3 + 2 cos 60, है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास 10 इनवर्स 2 sin 60 कितना बच्चों? √3/2, तो √3/2 प्लस अपॉन 3 + 2 cos 60 कितना? 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो 3 और 1 क्या हो गया? 4, और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया? √3/4। देयरफॉर फाइ इक्वल्स टू 10 इनवर्स √3/4। ठीक है, अब कई बार क्या होगा बच्चों कि ये नॉन वैल्यू मिलेगी जिससे आप डायरेक्टली एंगल लिख सकते हो, कई बार ये ऐसा वैल्यू आएगा जिसका एंगल आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो आपको इसी रूप में छोड़ देना है।
ठीक है। जैसे मान लो अगर ये सॉल्व करके मेरे को वन मिलता तो हमको पता है कब कब थीटा वन टेन की वैल्यू कब वन होती है, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होती है, तो उस कंडीशन में हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। बट यहाँ पर नंबर ऐसे हैं जिसे जिसका मुझे पता नहीं, तो अपन इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अब सवाल उठता है बच्चों, अगर मैंने जैसा कि मैंने बोला था कि अगर 2 और 2 को वेक्टर एडिशन करोगे, ठीक है, 2 और 2 को वेक्टर एडिशन करोगे तो क्या हो सकता है, वो 2+2 4 भी हो सकता है और 2+2 0 भी हो सकता है, ठीक है, और 2+2 कुछ और वैल्यू भी हो सकता है 0 और 4 के बीच। तो ये कैसे पता चलेगा, ठीक है? तो सी, अगर हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो एक मिनिमम वैल्यू होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो वो मिनिमम वैल्यू भी गेन कर सकता है और वो मैक्सिमम वैल्यू भी गेन कर सकता है। ये किस बात पर डिपेंड करता है कि उनके बीच पर बीच में एंगल कितना है, ठीक है? तो मैं इसको स्पेशल केस बोल देता हूं, स्पेशल केस, ठीक है। पहला स्पेशल केस 1, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है बच्चों, ए और बी के बीच में एंगल, मान लो इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो फिर क्या, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सिंस आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है, थीटा के बदले क्या लेंगे बच्चों, 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये क्या रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ऐसा रह जाएगा। अब अगर आप इस चीज को गौर से देखो तो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, तो रूट के अंदर स्क्वायर मतलब क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। तो ये जो आर हुआ ना बच्चों, ये आपका मैक्सिमम हुआ, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो तो मैक्सिमम कब मिलेगा बच्चों, उसका रिजल्टेंट, उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम तब मिलेगा जब थीटा इक्वल टू क्या है 0 डिग्री, ये चीज आप ध्यान रखें। समझ में आ रही बात आपको, इफ वेक्टर ए एंड बी आर एडेड एंड यू हैव टू गेट द मैक्सिमम रिजल्टेंट, है ना, मैक्सिमम रिजल्ट, देन एंगल शुड बी क्या 0 डिग्री, ठीक है, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, तब आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब 0 डिग्री होने का क्या मतलब है, 0 डिग्री होने का मतलब है या तो वो क्या हो, है ना, ऐसा पैरेलल हो या फिर दोनों सेम लाइन पे हो, है ना, दोनों ही कंडीशन में एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा, ठीक है, पैरेलल या को लीनियर, है ना, सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच में एंगल 0 होगा और आपको उस कंडीशन में सीधा क्या करना है, एड करना है दोनों की मैग्नीट्यूड को और को मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरा केस ले लेते हैं, अगर उनके बीच का एंगल मैं ले लूं 90 डिग्री, ठीक है बच्चों, अगर मैं उनके बीच का एंगल ले लूं 90 डिग्री, फिर क्या होगा, सी थीटा इक्वल्स टू हमने ले लिया 90 डिग्री, ओके बच्चों। अब फिर से हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, है ना, आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू आप जानते हो, है ना, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, और कॉस 90, कॉस 90 क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, देखो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उस कंडीशन में आर क्या मिलेगा आपको, डायरेक्टली स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों,
ये भी आप समझ गए है ना, ये क्या हो गया केस टू। जब परपेंडिकुलर होंगे है ना एक दूसरे के, थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या है बच्चों, एक वेक्टर अगर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर क्या होगा ऐसा होगा। आ रही बात समझ में, एक वेक्टर ऐसा तो दूसरा वेक्टर ऐसा होगा, क्लियर है। तो आपको यहां पर r यानी मैग्नीट्यूड सीधा क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, ठीक है। अच्छा अब देखो और क्या केस ले सकते हैं, अगर हम मान लें कि उनके बीच का एंगल है ना थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है, सी थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना, इसको हम क्या ले रहे हैं बच्चों केस थ्री, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अब आप बताओ बच्चों कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है। देखो बच्चों ये हमेशा जरूरत पड़ता है कॉस 180, ठीक है, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, कॉस 180 डिग्री इज माइनस वन, ओके हमेशा याद रखें कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है, ठीक है याद कर ले पूरी तरीके से। तो क्योंकि r बराबर क्या है बच्चों स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 180 की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों माइनस टू ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है ना। अब अगर आप इस चीज को देखो तो क्या समझ में आ रहा है कि ये है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट के अंदर होल स्क्वायर तो ये बाहर आ जाएगा a माइनस बी, तो ये जो है ना मीटर आपको मिनिमम रिजल्टेंट मिलेगा। आ रही बात समझ में, तो मिनिमम रिजल्टेंट जो होगा है ना दो वेक्टर का वो कितना हो सकता है दोनों का डिफरेंस a माइनस बी, यानी फोर और थ्री का मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है 4+3 यानी 7, और मिनिमम क्या हो सकता है 4-3 यानी 1, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि जब थीटा 0 डिग्री होता है तो मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलता है, और थीटा 180 डिग्री होता है, और थीटा 180 डिग्री कहने का मतलब क्या है, एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री बनाएगा एक दूसरे के साथ, है कि नहीं 180 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों ऐसे कंडीशन में ये सिंपली क्या हो जाएंगे सबट्रैक्ट हो जाएंगे, तो याद रहेगा बच्चों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाता है, सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाता है एड हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में ए प्लस बी और इस कंडीशन में ए माइनस बी, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये है ना कब मिनिमम होगा कब मैक्सिमम होगा आपको समझ में आ रहा है ना, 5 और 6 मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर को अगर मैक्सिमम चाहिए तो 6+5=11 और मिनिमम तो 6-5=1 ऐसा हो जाएगा। आ रही बात समझ में आपको। अब यहां से एक चीज देखो बच्चों, r मिनिमम कितना आया है हमारे पास a माइनस बी आया है, ठीक है r मिनिमम आया हमारे पास a माइनस बी। अब मैग्नीट्यूड जो होगा बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा है ना, मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो चलो, तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू है तो a माइनस बी है और मिनिमम है ना, क्या ये कभी जीरो हो सकता है ना, r मिनिमम क्या जीरो भी हो सकता है। हाँ सर जीरो हो सकता है अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए इक्वल है ना, दो वेक्टर है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है फोर है, दोनों का मैग्नीट्यूड फोर है, तो इस कंडीशन में 4-4 क्या हो जाएगा बच्चों जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 4+4=8, ठीक है। तो r मिनिमम जीरो हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर एक बात नोट कर ले, नोट मिनिमम जीरो होने के लिए, ठीक है जीरो होने के लिए दो वेक्टर मिनिमम कितने वेक्टर्स की जरूरत होगी ताकि उनका रिजल्टेंट क्या हो जाए जीरो, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, कितने वेक्टर का सम है ना जीरो हो सकता है, ठीक है कितने वेक्टर का सम जीरो हो सकता है। तो यहां पर आप बात को समझो,
द वेक्टर सम ऑफ एटलीस्ट टू वेक्टर्स कैन बी जीरो इफ एंड ओनली इफ बोथ वेक्टर्स आर सेम। अब देखो इस चीज का क्या मतलब है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, वेक्टर सम ऑफ एटलीस्ट टू वेक्टर्स, कम से कम दो वेक्टर का वेक्टर सम क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब दोनों वेक्टर सेम होंगे। ठीक है, ए और बी जब बराबर होगा तभी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। अगर ए और बी बराबर नहीं हुए, ए और बी अगर बराबर नहीं हुए तो क्या कभी इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, सर नहीं हो सकती है। समझ गए क्या, तो क्या कभी इसकी वैल्यू जीरो हो सकती, नहीं हो सकती। इसका मतलब दो अगर अनइक्वल, ए नॉट इक्वल टू बी मतलब क्या होगा बच्चों, दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, अनइक्वल वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। जब दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी तब किसी भी हालत में है ना, किसी भी कंडीशन में दो वेक्टर का सम जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, दो वेक्टर का सम जीरो नहीं हो सकता। तो अब सवाल उठता है कि भाई कितने कम से कम वेक्टर चाहिए, है ना, अनइक्वल भी हो तो भी उनका वेक्टर सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां पर कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, है ना। अगर इक्वल वेक्टर है, मतलब अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो फिर कितने वेक्टर का सम जीरो हो सकता है, दो वेक्टर भी होंगे तो उनका सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, लेकिन अगर वो अनइक्वल वेक्टर है, अनइक्वल वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तब कम से कम कितने वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, दो से तो काम नहीं चलने वाला, इतना तो समझ में आएगा, तब दो का जो है रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। समझ गए क्या, तो भाई उस कंडीशन में आपको कितने की जरूरत पड़ती है, कम से कम तीन वेक्टर्स की, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, हाउ मेनी कोप्लैनर वेक्टर्स आर नीडेड टू, है ना, गिव द रिजल्टेंट जीरो। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक और नोट लिखना पड़ेगा, सी कितने वेक्टर का सम जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगर वो अनइक्वल वेक्टर्स है तो यहां पर कंडीशन था जीरो होने के लिए, दोनों को सेम होना चाहिए, लेकिन अगर तीन वेक्टर है तो वो सेम हो नहीं हो फिर भी क्या होगा, उनका वेक्टर सम जीरो होगा। ठीक है, लेकिन सर बस इतनी है कि वो तीनों वेक्टर क्या होने चाहिए, कोप्लैनर। याद करो कोप्लैनर मतलब क्या, हमने सीखा था कॉमन प्लेन में आने वाला, सेम प्लेन में आने वाले वेक्टर्स, है ना, उनको क्या बोलते हैं, कोप्लैनर वेक्टर्स बोलते हैं। तो रिजल्टेंट जीरो होने के लिए मिनिमम थ्री कोप्लैनर वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर जीरो रिजल्टेंट एटलीस्ट थ्री कोप्लैनर वेक्टर्स आर नीडेड। ठीक है बच्चों, थ्री कोप्लैनर वेक्टर्स आर नीडेड। आप पूछोगे कैसे सर, हाउ, है ना, तो देखो कैसे। मान लो ये वेक्टर क्या है बच्चों, ए है, ये वेक्टर सपोज बी है, और ये वेक्टर सपोज सी है। ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इस तरीके से। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि हमको इनका वेक्टर सम निकालना है, मतलब r बराबर क्या हो जाना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी करना है अपने को, है ना बच्चों, r बराबर क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी करना है। अच्छा, हमने सीखा है बच्चों, देखो a प्लस बी है ना, ये देखो सेम ऑर्डर में है, क्या सेम ऑर्डर में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा a और b का, a और b का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा, आ रही बात समझ में, ऐसा होगा। तो इसका जो r आया a प्लस बी का,
वो देखो क्या है, C का अपोजिट है, ये C वेक्टर और ये C का अपोजिट है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, याद करो मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो C का नेगेटिव वेक्टर होगा, तो माइनस ऑफ C वेक्टर हो गया और प्लस C वेक्टर, तो माइनस और प्लस क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, देखो रिजल्टेंट आ गया जीरो। ठीक है बच्चों, रिजल्टेंट आ गया जीरो। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है बच्चे, हम लोग उनको नल वेक्टर कहते हैं, नल वेक्टर, समझ गए क्या, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको कहते हैं नल वेक्टर। ठीक है, ये एक टर्म आप याद रखना। ठीक है, तो देखो तीन वेक्टर का सम क्या हो गया, जीरो हो गया। देखो तो इसका मतलब हुआ भाई, देखो तीनों वेक्टर का सम कब जीरो हुआ, देखो जब तीनों सेम ऑर्डर में था, देखो तीनों अगर सेम ऑर्डर में होगा ना और क्लोज लूप बनाएगा, ठीक है, क्लोज हो जाएगा, देखो क्लोज हो गया। ठीक है, तो तीनों अगर सेम ऑर्डर में है और क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं तो आपको रिजल्टेंट क्या देगा, जीरो देगा। तो क्लोज बनाने के लिए कम से कम कितने चाहिए, तीन वेक्टर्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसलिए फॉर रिजल्टेंट एटलीस्ट थ्री कोप्लैनर वेक्टर्स आर नेगेटिव। ठीक है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको इस तरीके से रिप्लाई करना है। ठीक है, अब तो यहां पर भी एक शर्त आ गई कि कोप्लैनर ही होना चाहिए, कोप्लैनर मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। लेकिन अब अगर आपको बोल दिया जाए कि वेक्टर्स कोप्लैनर नहीं है, ठीक है, कोप्लैनर वेक्टर्स नहीं है, तब कितने कम से कम वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, फिर कितने वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी देख लेते हैं बच्चों। एक और नोट हो जाएगा हमारे पास, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर वेक्टर्स कोप्लैनर नहीं है तो फिर जीरो रिजल्टेंट के लिए कम से कम कितने वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो इफ वेक्टर्स आर नॉट कोप्लैनर देन एटलीस्ट फोर, फिर आपको चार वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, एटलीस्ट फोर वेक्टर्स आर नीडेड फॉर जीरो रिजल्टेंट। ठीक है बच्चों, जीरो रिजल्टेंट के लिए कम से कम फिर आपको चार वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये रही बात, है ना, ये रही बात कि कब आपको कितने वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ध्यान से देखना है कि उसने कंडीशन क्या रखा है ना। अगर उन्होंने इक्वल वेक्टर्स बोला है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दैट केस, है ना, इन दैट केस आपको वेक्टर जीरो मिल सकता है दो में, है ना, दोनों को। लेकिन क्या होना चाहिए, इक्वल वेक्टर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, दोनों में, समझ गए क्या, क्लियर है। तो दूसरा चीज है बच्चों कि अगर वो इक्वल नहीं है, तो अगर वेक्टर्स इक्वल नहीं है तो तब हमको कम से कम तीन वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी और वो तीनों क्या होने चाहिए, कोप्लैनर। अगली बात क्या है कि अगर वो कोप्लैनर भी नहीं है, कोप्लैनर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें आपको कम से कम चार वेक्टर्स की जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगी। ओके, ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। अब बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर आप और भी कुछ प्रॉब्लम्स देख सकते हो, है ना, हम उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे। चलो सपोज एग्जांपल लेते हैं, क्या ले लूं मैं कि बोला जाता है कि इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों, इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एट एंगल 120 डिग्री
देन फाइंड रिजल्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहे हैं, दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं, उस कंडीशन में रिजल्टेंट दोनों का क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, ये चीजें हमें निकालनी है। चलो तो देख लेते हैं बच्चों, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो मान लिया मैंने a बराबर b बराबर समथिंग x, ठीक है, दोनों वेक्टर इक्वल है तो a भी मान लिया x, b भी मान लिया x और थीटा है उनके बीच में 120 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। आ रही बात समझ में, तो चलो देखते क्या हो जा रहा है। चूंकि रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो a की वैल्यू x है, ये भी x है, ये 2x into x, ये भी x स्क्वायर हो गया और cos 120 डिग्री। अब सबसे बड़ा सवाल है तो cos 120 डिग्री कैसे निकाले, तो हम सीखे हैं सर, cos 120 निकालने सर तो आप इसको 90 प्लस 30 लिख लो, cos 120 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, साइन क्या ले लेगा, नेगेटिव, है ना। देखो रेफरेंस क्या है, 90, रेशियो चेंज होगा, हाँ सर रेशियो चेंज होगा, तो साइन में चेंज हो जाएगा साइन 30, ठीक है, तो माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2, तो cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है, आप इसको अगर याद भी रख लोगे तो कोई हर्ज नहीं है, है ना, काफी यूज होता है cos 120 -1/2, ठीक है। तो इसके बदले क्या रख लूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू -1/2, टू टू कैंसिल, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया देखो, एक्स आया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इक्वल मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर्स अगर 120 डिग्री पर हो तो उसका रिजल्ट भी क्या आता है, इक्वली आता है, रिजल्ट भी क्या आता है, रिजल्टेंट भी क्या होता है, दोनों में से एक के बराबर होता है, दोनों वेक्टर में से किसी एक के बराबर होता है, आप इसको, है ना, एक अच्छा रिजल्ट है, आप इसको अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर 120 डिग्री पर, है ना, हो तो उनका रिजल्ट क्या आता है, दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आता है, समझ गए। तो ये होगी बात मैग्नीट्यूड की, अब देख लेते हैं डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन के लिए हमने सीखा है बच्चों, क्योंकि फाइ इक्वल्स टू क्या था, टेन इनवर्स बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना बच्चों। तो थीटा कितना है हमारे पास, 120 डिग्री, ठीक है, इसको पुट करेंगे यहां पर, और ए और बी क्या है, वो तो इक्वली है, है ना, ए और बी तो इक्वली है, तो हो जाएगा बच्चों फाइ इक्वल्स टू टेन इनवर्स, है ना, एक्स साइन 120, है ना, साइन 120 अपॉन एक्स प्लस एक्स कॉस 120, है ना बच्चों, ऐसा हो जाएगा। तो टेन इनवर्स x, ठीक है, साइन 120 क्या हो जाता है बच्चों, साइन 120 हो जाता है, इसका भी वैल्यू को ऐसे ही निकाल सकते हैं, साइन क्या लिख सकता हूं बच्चों, 90 प्लस 30, है ना, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, रेशियो चेंज होगा, होगा सर कॉस 30 हो गया, कॉस 30 कितना होता है बच्चों, है ना, कॉस 30 रूट 3/2, ठीक है, तो ये हो गया आपका रूट 3/2 अपॉन एक्स प्लस एक्स, अभी देखा है मैंने आपको कॉस 120 क्या होता है, -1/2, तो -1/2, है ना बच्चों, ऐसा हो जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स रूट 3/2 अपॉन एक्स माइनस एक्स बाई टू, क्या बच जाएगा बच्चों, एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू और एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स रूट 3, सोचो बच्चों 10 की वैल्यू रूट 3 कब होती है, 10 की वैल्यू रूट 3 होती है और 60 डिग्री, तो एंगल क्या आ गया 60 डिग्री, फाइ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो 60 डिग्री एंगल, उसका टोटल एंगल कितना था 120 डिग्री और आया कितना 60 डिग्री, दैट मीन्स कि जो रिजल्टेंट होगा वो
उनको बाइसेक्ट करेगा, है ना, दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है, ठीक है। मान लो ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, है ना, इसके बीच में एंगल कितना लिया था हमने 120 डिग्री, तो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या है, इसको बाइसेक्ट करता हुआ ये हुआ रिजल्ट है जिसका, है ना, इधर से भी 60 डिग्री और इधर से भी 60 डिग्री। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और कुछ एग्जांपल ले लें, ठीक है। चलो, अगर आपसे बोला जाता है, अगर आपसे बोला जाता है कि दो वेक्टर हैं जिसका मैग्नीट्यूड एक का 3 है बच्चों, दूसरे का 4 है, और उनके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, ओके, एंगल क्या है 90 डिग्री, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों सिंपल सीधा सीधा हमको पता है आर इक्वल्स को, है ना, जब 90 डिग्री होता था तो मैंने क्या सिखाया आपको, सीधा सीधा क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए कितना है 3 का स्क्वायर 9 हो गया बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये बचा क्या बच्चों 5, तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया 5। अब बात आती है डायरेक्शन की, 5 इक्वल्स टू 10 इनवर्स, है ना। अब डिपेंड करता है आप इसको, है ना, आपने 3 को a माना है तो b क्या हो गया 4, तो 4 क्या b sin थीटा ना, तो sin 90 क्या होता है बच्चों 1 अपॉन a यानी 3 प्लस 4 cos 90 क्या होता है 0, तो क्या आया देखो 10 इनवर्स 4 बाय 3, क्या होता है बच्चों 4 बाय 3 की वैल्यू है ना 53 डिग्री, तो एंगल क्या हो गया बच्चों 53 डिग्री, कितना एंगल बनाएगा 53 डिग्री, किसके साथ 53 डिग्री, ए के साथ, दैट मीन्स कि अगर इसको है ना ए माना और आपने इसको क्या माना बी माना, इसके बीच का एंगल क्या हुआ 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, रिजल्टेंट आएगा सर ये, है ना, कितने डिग्री पर, ए के साथ 53 डिग्री, ठीक है, ए के साथ 53 डिग्री, ये हो गया आपका रिजल्टेंट, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है बच्चों, अंडरस्टूड। सी, तो भाई ये हो गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि वेक्टर एडिशन के 3 प्रकार के रूल्स होते हैं, ठीक है, एक हमने बोला ट्रायंगल लॉ, फिर बोला पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा बोला पॉलीगन लॉ, ठीक है बच्चों। फिर मैंने ये भी बोला था कि ट्रायंगल लॉ ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको ट्रायंगल लॉ समझ में आया उसको पैरेललोग्राम और पॉलीगन लॉ समझ आएगा, जिसको ट्रायंगल नहीं समझ में आया उसको आगे भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो चलो देख लेते हैं इन दोनों को भी कि पैरेललोग्राम लॉ क्या है और पॉलीगन लॉ क्या है। चलो सी, तो अपना टॉपिक है बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है ये, भाई पैरेललोग्राम कैसे होता है, देखो तो पैरेललोग्राम ऐसे होते हैं, 4 साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम में, है ना, 4 साइड्स होते हैं। अब मान लो आपको किसी दो वेक्टर को ऐड करना है, एक वेक्टर ए है बच्चों और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, इस तरीके से, और इनके बीच में एंगल क्या है सपोज थीटा, तो यही हो गया वेक्टर के बीच का एंगल, है ना, टेल टू टेल मिला हुआ है, वेक्टर के बीच का एंगल हो गया थीटा। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो पैरेललोग्राम लॉ थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो जाता है, वो क्या कहता है कि आपको इधर उधर मूव नहीं करना है, बस आप इसको क्या कर लो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, इस तरीके से पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, आ रही बात समझ में। अब इस पैरेललोग्राम की ये दोनों साइड्स क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, ये दोनों साइड्स क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, तो दो वेक्टर एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हो गए, तो
अब इसको क्या कहते हैं बच्चों, डायगोनल कहते हैं। तो इसका जो डायगोनल होगा ना बच्चों, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये बनेगा, आपको वो डायगोनल लेना है जो उनके बीच से पार हो रहा हो, ठीक है। तो ये आपका क्या दे देता है, रिजल्टेंट दे देता है, यानी ए प्लस बी दे देता है। आगे बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। तो क्या कहता है भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि इफ द टू वेक्टर्स टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द क्या बोले, अरे इसको क्या बोले, दिस है ना डायगोनल, यस ठीक है। तो डायगोनल पासिंग इन पासिंग बिटवीन देम, ठीक है, उनके बीच से पास होता हुआ जो डायगोनल होगा, दैट इज आवर रिजल्टेंट, है ना, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है। तो वंस अगेन, है ना, इफ द टू वेक्टर्स टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल पासिंग बिटवीन देम गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये हो गया बच्चों आपका स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट हो गया इस लॉ का, इफ द टू वेक्टर्स टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, then the diagonal passing between them gives the resultant। ये हो गया आपका इसका statement, ठीक है बच्चों। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, सपोज ये वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर बी हुआ, ठीक है, अब फट से क्या करें, पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, है ना, और ये वाला हो गया आपका रिजल्टेंट, समझ गए। सिमिलरली मान लो एक वेक्टर ए है ऐसा, एक वेक्टर है बी ऐसा, क्या करो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ठीक है, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ये हो गया आपका रिजल्टेंट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आया क्या, ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टूड। तो ये तो रही भाई ग्राफिकली ऐसा हुआ, है ना, एनालिटिकली क्या है। तो भाई एनालिटिकली इसमें और ट्रायंगल लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है। पूछो कैसे, कि मैं क्या कर सकता हूं भाई, इस बी वेक्टर को क्या कर सकता हूं, मूव कर सकता हूं, है ना, बी वेक्टर को मूव करके यहां लाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर ए और ये उसके बीच का एंगल थीटा। तो देखो ये सेम ही चीज हो गया क्या बच्चों, है ना, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, सेम ऑर्डर और ये उसका थर्ड साइड, अपोजिट ऑर्डर गिव्स द रिजल्टेंट। तो ये भी तो ट्रायंगल लॉ ही तो है ना, वेक्टर ए वेक्टर बी और ये हो गया उसका रिजल्टेंट, बस सिंपल, है ना, टू वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर, रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो देखो पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बस आपको क्या होता था, यहां पर तकलीफ होती थी, इसको उठा करके यहां लाना पड़ता था, अब आपको मूव करने की जरूरत नहीं है, जो जहां पड़ा है वहीं पड़ा है, आप सीधा उसके बीच में क्या कर लेते हो, रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हो, ठीक है। तो चूंकि ये है ना सेम ही है, तो इसका रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, उसका फॉर्मूला भी क्या आएगा बच्चों, सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसके जो रिजल्टेंट के फॉर्मूले और डायरेक्शन के फॉर्मूले हैं, वो भी क्या आएंगे बच्चों, सेम ही आएंगे, है ना। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ये एंगल हो जाएगा फाई और रिजल्टेंट, देखो आपको इसकी लंबाई निकालनी है, तो जैसा पहले निकाले थे वैसा ही निकालेंगे और हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं है। सिमिलरली एंगल जो है उसका भी फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसलिए मैंने बोला कि ट्रायंगल लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल लॉ से ही पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक। तो इसमें
एनालिटिकली कोई चेंज नहीं है, डायग्रामेटिकली थोड़ा चेंज है, ठीक है बस और कुछ नहीं। अंडरस्टूड? तो भाई जैसे कि हमने लिया, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, ये दो वेक्टर्स हो गया और हमें बोला गया कि इनके बीच का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल। तो भाई ये हमने इसको पूरा कर दिया, ये हो गया हमारा डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सॉरी रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड चूंकि एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल 90 डिग्री में सीधा क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, क्या आ गया बच्चों 5। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 5 और डायरेक्शन के लिए 5 इक्वल्स टू, देखो 10 इनवर्स, ठीक है बच्चों क्या हो जाएगा, है ना। आप चाहो तो इस तरीके से करो, ठीक है, तो b साइन थीटा है ना, तो b साइन 90, साइन 90 क्या हो गया बच्चों 1, तो क्या बचा b अपॉन है ना a प्लस b कॉस 90 जीरो हो जाता, तो बचा क्या a। तो देखो बच्चों b क्या है, यहाँ पर b ये है और ये क्या है a, तो b ये भी हुआ और ये a, तो बेसिकली क्या कर रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जैसा आप नॉर्मली एंगल निकालते हैं वैसा भी नॉर्मली एंगल निकाल सकते हैं, 10 5 को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4, ठीक है। तो 10 इनवर्स 3 अपॉन 4, याद करो क्या होता है 10 इनवर्स 3 बाय 4, 10 की वैल्यू कब होती है, जब एंगल होती है 37 डिग्री, सो दिस एंगल इज 37 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ भी कोई कठिन नहीं है, ठीक। अब सवाल आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज हमको तब करना पड़ता है जब वेक्टर जिनको ऐड करना है वो 2 से अधिक हो। जब 2 वेक्टर्स को ऐड करना हो तो आप सिंपल इनके थ्रू कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ से या फिर पैरेललोग्राम लॉ से, लेकिन जब 2 वेक्टर से अधिक होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें कहा जाता है कि मान लो 3 वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करना है, ओके। तो क्या होगा इसका रिजल्टेंट, तो ये भी कुछ नया नहीं बोलता है, ये क्या कहता है भाई पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, कि ऑल दोज वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड, जिन वेक्टर्स को ऐड करना है उसको है ना एक पॉलीगन के कंसेक्यूटिव साइड्स से सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दें। देखो अभी तक सभी सेम ऑर्डर में है, ठीक है, तो एक पॉलीगन, पॉलीगन मतलब क्या होता है, ज्यादा साइड्स हो उसके, है ना, 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा, तो सभी को क्या कर दे सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दे, और जो आखिरी साइड होगा लास्ट साइड ये है ना लास्ट साइड जो होगा उसको आप अपोजिट ऑर्डर में ले लें, तो ये आपका क्या हो गया रिजल्टेंट हो गया ए प्लस बी प्लस सी, चाहे कितने भी वेक्टर हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल आपको समझ में आया, जिन जिन वेक्टर्स को ऐड करना है उनको एक पॉलीगन के है ना कंसेक्यूटिव साइड से सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने पर जो लास्ट साइड होगा आखिरी साइड होगा उसको आप अपोजिट ऑर्डर में ले लें, वो आपको रिजल्टेंट देगा, क्लियर है, दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लो एक वेक्टर ए हो, एक वेक्टर बी हो, एक वेक्टर सी हो, एक वेक्टर डी हो, ठीक है, एक वेक्टर ई हो, और आपसे पूछा जाए कि इनका सम क्या होगा, ठीक है। तो भाई हमने क्या किया है, ये देखो जिन जिन वेक्टर्स को ऐड करना है सबको एक रेगुलर है ना कंसेक्यूटिव साइड से सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये जो लास्ट साइड होगा ये हो जाएगा बच्चों लास्ट साइड, उसको अपोजिट ऑर्डर में ले लेना है, यही हो गया आपका रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों, आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो गया, ठीक है, आई बात समझ में आपको। तो बेसिकली क्या करना है आपको, जितने भी वेक्टर्स हो उनको एक पॉलीगन के रेगुलर कंसेक्यूटिव साइड से सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दें और आखिरी साइड को अपोजिट ऑर्डर में ले लें, वो आपको क्या दे देगा रिजल्टेंट दे देगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं,
फिर देखेंगे। तो स्टेटमेंट हो जाएगा बच्चों, इफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड बाय कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इन सेम ऑर्डर देन लास्ट साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर गिव्स रिजल्टेड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब सवाल उठता है कि ये ट्रायंगल लॉ से कैसे रिलेटेड है, ये कैसे ट्रायंगल लॉ पर बेस्ड है। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं कि ये कैसे ट्रायंगल लॉ पर बेस्ड है। सी, जैसे कि मैंने बोला, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है और इसे मुझे ऐड करना है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो कैसे ट्रायंगल लॉ से कनेक्टेड है। पहले ये दोनों वेक्टर को देखो, हमको क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करना है ना। हमें तीन को एक साथ ऐड करना नहीं आता, लेकिन दो को तो एक साथ ऐड करना आता है ना, तो मैं पहले इसको ऐड कर लूंगा। तो ए और बी देखो तो सेम ऑर्डर में हो गया क्या, ट्रायंगल कंप्लीट करूं और ये अपोजिट ऑर्डर में, ये हो गया क्या ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी निकल गया हमारा। अब ए प्लस बी निकल गया यानी इन दोनों का रिजल्टेंट निकल गया, तो अब इसका कोई काम नहीं रहा बच्चों। ठीक है, इसका कोई काम नहीं रहा। अब a प्लस बी को किसके साथ ऐड करना है, c के साथ। अब ये a प्लस बी क्या हो गया, एक नया वेक्टर बन गया। अब इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ ऐड करना है, तो भाई इन दो वेक्टर्स को ऐड करना तो आता ही है मुझे, नहीं देखो इन दो वेक्टर्स को ऐड करना आता है क्या, देखो अभी भी ये क्या है, सेम ऑर्डर में है। इसको करेंगे तो ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा और ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा किस है, अपोजिट ऑर्डर में। तो ये किसका सम हुआ, इसका प्लस इसका, तो ये क्या था a प्लस बी और वो कितना था c, तो देखो हो गया a प्लस बी प्लस सी, तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट। तो देखो अगर मैं कंप्लीट देखूं, वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c, तो आ गया भाई a प्लस बी प्लस सी, है ना, आई बात समझ में। तो ये भी क्या है, ट्रायंगल लॉ से ही है। आप बार बार इसको है ना दो दो के ऊपर लगा सकते हो और उसको ऐड करते चले जाओगे, तो फाइनली क्या आएगा वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चों, तो ये तीन प्रकार के जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इससे हम वेक्टर के एडिशन के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं कि आप इसको अच्छे से समझें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। ठीक है बच्चों।